पढ़ो बेटा, खूब मस्ती से पढ़ो, हंस हंस के पढ़ो, गा गा के पढ़ो, नाच नाच के पढ़ो। तुम पढ़ाई को इतना रिवर्स वे में लेते हो। एजुकेशन इज टू लर्न, लर्न टू अंडरस्टैंड। समझदार बन जाओगे, राजा बन जाओगे, चाहे बिजनेस की फील्ड में, चाहे किसी भी फील्ड में। लाइफ में जो सबसे बड़ी क्वालिटी हम सबके अंदर होनी चाहिए, जो आई एम 100% श्योर इनके अंदर भी है और वो लोग जो आगे बढ़े हैं लाइफ में, सबके अंदर है। लाइफ में अंदर चाहे जैसी भी हालत है, मन है चाहे नहीं है, जो करना है वो करना है। एज सिंपल एज दैट, द शो मस्ट गो ऑन। ये क्वालिटी हमारे अंदर सबके अंदर होनी चाहिए अगर हम लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो आज की जनरेशन में बहुत कम लोगों के अंदर होती है। हम क्या सोचते हैं, एक काम को शुरू करते हैं, रिजल्ट नहीं आया तो बेकार, फिर किया नहीं आया बेकार, बेकार है क्या हो, करना है तो करना है ना। मोदी जी आज इस देश के प्रधानमंत्री। पढ़ाई का मन नहीं कर रहा है, पढ़ाई करो। बैठने का मन नहीं कर रहा है, बैठो। आदत नहीं बन रही, आदत बनाओ। क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते हैं, खूब सारे क्वेश्चन लगाओ। रिवाइज नहीं होता है, रिवीजन करो। सोल्यूशन तो तुम्हारे सामने है, तुम मुझसे सोल्यूशन पूछने नहीं आए हो। तुम्हें खुद पता है सोल्यूशन क्या है। आप इतने बड़े हो गए हो, आप 18 साल के हो गए, 17 साल को, आपको पता है अपनी जिंदगी को कैसे ड्राइव करना है ना। बस होता नहीं है, बात यह है। तो कैसे होगा, करना पड़ेगा। अपना टाइम किसी को नहीं देना चाहिए। गर्लफ्रेंड टाइम इज, गर्लफ्रेंड आपकी है तो आपको करंट अफेयर्स पढ़ा सकती है शाम को। आप डिसाइड करेंगे ना आपकी गर्लफ्रेंड कैसी होगी। आपको हमेशा उस कंपनी में रहना चाहिए जिनका टेम्परेचर हाई रहता है। जैसे आप टेम्परेचर का एक लॉ है ना, टेम्परेचर मूव्स फ्रॉम हाई टू लो। अब आप आईएएस बनना चाहते हो, आपका दोस्त कह रहा साहब भगवान हमको चपरासी बना दे तो हम बन जाएं, ऐसे आदमी को मार के भगा दो आप। और उस आदमी को अपने माँ बाप की बात जरूर मानना चाहिए। मेरे गुरुजी का आदेश था कि कठिनाई आपको तभी तक दिखेगी जब कठिनाई को देखोगे। तो एक छोटा उन्होंने मुझे बताया, पूछा कि इस कमरे में लाल रंग कितनी जगह है, देखो आप भी एक बार जरा देख के बताओ। तो 7-8 जगह लाल रंग दिख रहा है यहाँ पे आपको। एक, ये दो, वो लाल रंग टी शर्ट पे, 3, 4, 5, ये लाल हो गया, 6, उधर लाल हो गया, 7, एप्पल लाल, बिल्कुल ठीक 7। पर जब आप लाल रंग ढूंढ रहे थे तो क्या आपको हरा रंग दिख रहा था, यस नो? नहीं। जब आप लाल रंग ढूंढ रहे थे तो क्या आपको काला रंग दिख रहा था, यस नो? नहीं। जिंदगी भी ऐसी है, जो ढूंढोगे वही मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। चार चीजें दुनिया में सबसे कीमती है, उनसे कीमती कुछ भी नहीं। एक उत्साह, एक कॉन्फिडेंस, एक शक्ति और चौथी समझदारी। ये चार चीज दुनिया में बेशकीमती है, इनकी ये खरीदी ही नहीं जा सकती। ये या तो तुम्हारे अंदर है या तो तुम इन्हें डेवलप करोगे। और जितने युद्ध हारोगे उससे बड़ी लड़ाइयों के लिए तैयार होते चले जाओगे। उद्देश्य आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, परसों मिलेगा। जितना भी समय लगे, जितनी भी ऊर्जा लगे, जितनी भी थकान हो, जितनी बार हारना पड़े बीच में, जितनी बार गिरूंगा फिर उठ खड़ा होऊंगा और अपने पूरे मजबूत इरादे के साथ उस तरफ बढ़ता रहूंगा। और अंत में क्यों सफल नहीं होऊंगा भाई, क्यों नहीं होऊंगा सफल, ये तेवर चाहिए। और आपसे मैं कह रहा हूं, 2 साल की लड़ाई है, बीच बीच में ऐसे क्षण आएंगे जिस दिन ऐसा हो ना कि एक दिन नहीं पढ़ पाए, उसकी भरपाई अगले दिन हो जानी चाहिए। कुछ बातें समझ जाओ तो अपने तक रखो। कब तक? जब तक पावर में ना आ जाओ। पावर में आ जाओ फिर बोलो, एक हाथ में तलवार ले लो फिर बोलो कि हम भाई हैं। किसी ने कहा नहीं है, डाल दो। ऐसे मत बोलो, ऐसे सुनो। जब तुम पावर में नहीं, सुनो, सर झुका लो, सुनो, विरोध मत करो। इतना बड़ा एग्जांपल तुमको कहां मिलेगा? ये तुमसे कहता है कि तुम्हारे पास अगर पैसा है तो तुम रोलेक्स की घड़ी पहनो, नहीं तो लोग भिख मंगा कहेंगे। तुम टीआर की जींस पहनो, नहीं तो लोग तुमको गरीब मानेंगे। तुम बर्बरी की शर्ट पहनो, नहीं तो तुमको लोग कहेंगे कि अरे कैसा भिख मंगा है। यहां तुम कुर्ता पजामा पहनो, कुर्ता पजामा पहुंच के पार्लियामेंट में पहुंच गए और नेशनल इनकम के बोल रहे हो 3 घंटे, तो कोई तुमको तुम्हारे कपड़ों को नहीं देखेगा। ये इस देश की एजुकेशन पॉलिसी में गड़बड़ हो गई। इसने एजुकेशन को कहा कि एजुकेशन मतलब नौकरी नहीं, एजुकेशन मतलब एनलाइटनमेंट, दिमाग का खुलना। जिस दिन तुम्हें संघर्ष क्या होता है इसका पता करना हो, किसी मजदूर से जाके पंजा लड़ा लेना।
जो मकान वकान बनाते हैं ना, ईटा उटा ढोते हैं, उनसे जाके पंजा लड़ा ले, चाहे जितना बादाम खाते हो। जो तुमसे 10 साल बड़ा मजदूर होगा मकान में, और जो ईटा ढोता होगा ईटा, उससे कहना भैया पंजा लड़ाना है तुमसे और कुश्ती लड़ना है। पैसे उठा के और इतनी बार नचाएगा तुम्हें पहली बार ताकत का अंदाजा होगा कि भाई ताकत कैसे पैदा होती है। एक राजा के पास एक सेवक था, वो राजा उस अपने सेवक को बहुत मानता था, अपने साथ खाना खिलाता था, अपने साथ रखता था, अपने साथ घुमाता था। एक दिन राजा और सेवक जंगल में जगह शिकार कर क्या कहना। स्त्रियों के साथ एक दिक्कत ही होती है कि जब लड़कों से बहुत घुलती मिलती है ना, तो अक्सर ऐसा होता है कि स्त्री का बहुत प्रेम दिखाना, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर तुम खाना लेकर आती हो, अब तुमने इनसे डेली खाना पूछ लिया, तुम भी खाओ, तुम्हारी तरफ से तो बड़ा करुणा वाला काम है, स्त्री हो तो करुणा ही है, लेकिन तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे तुम घर पे रहोगी तो माँ बाप तुमको मना करेंगे, ज्यादा मत हंसा करो, तुम्हें बड़ा बुरा लगा होगा उस वक्त। लड़कियों को लगता है कि लड़के हर जगह मुस्कुराते हैं, हम क्यों ना मुस्कुराएं। तुम जिस समाज में रहते हो वहाँ मुस्कुराहट का अलग मतलब है। तुम तो दोस्ती में मुस्कुरा रही हो, तुमने करुणा में खाना दे दिया इनको, इन्होंने जाके इनको बता दिया कि यार वो डेली खाना पूछती, इन्होंने इनको चढ़ा दिया कि खाना पूछ रही कुछ है, हम भी देखे थे एक बार तुमको चोरी चोरी ऐसे पीछे देख रही, लो ये फर्जी शाहरुख खान बने टहल रहे। जब भी ऐसी कोई घटना घटे तो अकेले ऐसे पीछे वालो कमरा वाले दिन चाटा मारा अकेले कि पढ़ ले नालायक है, बाद में करेंगे सब। तो इससे क्या होगा, उसको लगेगा भी अगर अच्छा दिमाग होगा तो वो सोचेगा भी कि यार इस लड़की कितनी अच्छी बात कह रही, लड़की किसी को बेइज्जती मत करो। तुमसे कोई कहेगा अरे जाके पुलिस को शिकायत कर दो और मारो इसको चांटे, ये सब मत करो जब तक तुम्हारे साथ कोई अभद्रता ना करे। अभी